Hello everyone. Yes, this is Ankit Singh Paul and welcome to Magnet Brains in the Medium. जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ. स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की भी क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री में. स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखी है. और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल प्री ऑर्गेनाइज्ड वे में विद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, यानी इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सर, आज का क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अपना क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर जो चलते हुए आ रहा था, जिसका नाम है स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तथा कैपेसिटेंस. इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित का संयोजन. सर, संधारित का संयोजन, यस, जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेसिस्टेंस को जोड़ दिया था सीरीज और पैरेलल वे में, हाँ ऐसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे कैपेसिटेंस को जोड़ेंगे एक तो समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में. उससे पहले आज थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग पढ़ते क्या आ चुके हैं हमारे पीछे क्लास में, क्योंकि जब तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तब तक आप यहां पर पहुंचेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आएगा. तो मैं आपको सजेशन देता हूं, पहले जल्दी से जाइए वो सारी वीडियोज देखिए जो इस चैप्टर की हैं और फिर आइए यहां पर, क्योंकि फाउंडेशन बनना तो बेटा बहुत जरूरी है. हाँ या ना? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सर, इस क्लास से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया है, हाँ हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर पढ़ लिया है, फिर वैद्युत विभव भी पढ़ लिया है, इसके बाद हम लोगों ने एक बिंदु पर वैद्युत विभव देख लिया है और इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लिया है, हाँ स्थितिज ऊर्जा देख ली है. बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. और हाँ, हम लोगों ने संधारित और धारिता भी देख ली है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी देख लिया है. देखा है ना? ठीक है, मतलब देखने का मतलब है हम लोगों ने पढ़ा है. अगर इतना सब पढ़ा है और आपके समझ में आया है तो आज स्टार्ट करते हैं संधारितों का समायोजन. क्या स्टार्ट करते हैं? संधारितों का समायोजन. ठीक है, संयोजन, सॉरी, इसके संधारितों का संयोजन. ठीक, संयोजन का मतलब है किन्हीं तीन या तीन से अधिक संधारितों को हम लोग को जोड़ने के कुल दो तरीके होते हैं. कितने तरीके? दो. या तो उनको हम लोग पैरेलली जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, या फिर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, सीरीज वे में जोड़ सकते हैं. ठीक है, हमारे घरों में भी दो तरीकों के वायर. पहले तो हमारे घरों में जो लाइन आती है वो कैसी आती है? पैरेलल में आती है. लेकिन आपने देखी होगी जो दिवाली पर झालर लगाते हैं, बल्फियां लगाते हैं, जो लाइट्स लगाते हैं, वो सारी सीरीज में होती हैं. तो तार को जोड़ने के लिए दो तरीके का यूज होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल. तो ऐसे ही हम लोग कैपेसिटर को भी सीरीज में जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ेंगे और देखेंगे तब उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है. जब सीरीज में जोड़ने पर धारिता बढ़ती है या फिर घटती है, जब हम लोग उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तब धारिता बढ़ेगी या फिर घटेगी, आइए चेक करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं विद्या बांटने से ही बढ़ती है. चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पर. कह रहा है कि संधारित्वों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, संधारितों का श्रेणी क्रम संयोजन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज. क्या देखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, तीन कैपेसिटर दे रखे होंगे, एक दो तीन, तीन संधारित दे रखे होंगे, इन तीनों संधारित को सीरीज में जोड़ेंगे. सर, सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब होगा एक का ए तो दूसरे का बी, मतलब ऐसे ऐसे जोड़े होंगे ऐसे. ठीक है, अभी बना के दिखाएंगे. ठीक, तो संधारितों का श्रेणी क्रम संयोजन. माना, इससे सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, क्या बना देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ. और डायग्राम बनाने के लिए मैं बढ़ता हूँ इस पर, बढ़ता हूं. ठीक है, इधर आ जाओ. ठीक, यहां पे बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम. क्या होता है, एक कैपेसिटर है, मान लेते हैं मेरे पास कितने कैपेसिटर हैं? तीन कैपेसिटर हैं. और इन तीनों कैपेसिटर को कैसे जोड़ रहे हैं? सीरीज में जोड़ रहे हैं. कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग? सीरीज में जोड़ रहे हैं. लीजिए, मैंने तीन कैपेसिटर को कैसे जोड़ दिया है? सीरीज में जोड़ दिया है. इसका नाम दे देते हैं C1, इसका नाम दे देते हैं C2 और इसका नाम दे देते हैं C3. इधर वाली प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ? इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ. किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ. और इधर वाली प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया है अर्थ से. किससे कनेक्ट कर दिया है?
इधर वाली प्लेट को कनेक्ट कर दिया है अर्थ से, जिसके कारण क्या हुआ, आप लोगों ने पैरेलल प्लेट पढ़ा है, जैसे ही हम लोग सोर्स और अर्थ से कनेक्ट करते हैं, एक्स प्लेट को सोर्स से और वाई प्लेट को अर्थ से, तो ड्यू टू ऑफ इंडक्शन प्रेरण के कारण क्या होता है, उन पर चार्जेस आ जाते हैं, एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर निगेटिव, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्यू और इस पे माइनस क्यू। सेम ऐसे यहां पर भी, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो जो आवेश होंगे क्या डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, सीधे चलते चले जाएंगे, तो आवेश कैसा रहेगा, सेम रहेगा तीनों पर, तो इस पर भी पॉजिटिव क्यू और इस पर माइनस क्यू, इस पर पॉजिटिव क्यू और इस पर माइनस क्यू। एक प्लेट आपकी एक्स है तो दूसरी वाली प्लेट क्या है, वाई है। यहां तक समझ में आया, ओके सर, ठीक। अब एक बात बताना, ये तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ठीक, अब इनके बीच का विभव क्या होगा, विभव क्या विभव समान होगा या फिर अलग अलग होगा। आपको मैंने बताया है कि दूरी बढ़ने पर, दूरी के चेंजमेंट पर विभव में परिवर्तन आ जाता है, हाँ या ना। अगर मैं 1 किलोमीटर चला, हाँ, तो मेरा विभव कुछ और होगा, अगर मैं 2 किलोमीटर चला तो मेरा विभव कुछ और होगा, हाँ या ना। तो दूरी परिवर्तन में विभव में चेंजमेंट आता है, क्योंकि कार्य ज्यादा करना पड़ता है, जहां ज्यादा काम करेंगे वहां का विभव ज्यादा होगा, जहां कम काम करेंगे वहां का विभव कम होगा। तो मान लेते हैं इधर वाले पॉइंट को हम लोग यहां पर ले लेते हैं बिंदु ए, ये ए बिंदु ले ली, और इधर वाले बिंदु को ले लेते हैं हम लोग बिंदु बी। अब जैसे जैसे वो आगे की तरफ आवेश बढ़ेगा तो इधर की तरफ सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हम लोग मान लेते हैं इस वाले संधारित्र में C1 वाले में V1 पोटेंशियल स्टोर्ड हुआ, C2 वाले में V2 पोटेंशियल स्टोर्ड हुआ, और C3 वाले में V3 पोटेंशियल स्टोर्ड हुआ। अब समझ में आया, सीरीज श्रेणी क्रम में जो आवेश होगा वो समान होगा तीनों में, C1, C2, C3 में, तीनों में आवेश कैसा होगा, समान होगा। लेकिन अगर यहीं पर बात करें, विभव की बात करें, तो तीनों में विभव कैसा होगा, असमान होगा, क्योंकि जैसे जैसे आवेश आगे बढ़ता चला जाएगा उसे कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं दूरी के साथ विभव में परिवर्तन आता है ना, ठीक। तो इस वाले में C1 वाले में क्या होगा, V1 होगा, C2 वाले में V2 होगा, और C3 वाले में V3 होगा। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल सर। अब करते हैं अपना क्या करते हैं, डेरिवेशन, डायग्राम समझ में आया, जल्दी से डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ले ली, ठीक है सर, हाँ बढ़ते हैं हम लोग। सर ये बात बताइए कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, माना तीन संधारित्रों को की धारिता C1, C2, C3 है, तीन संधारित्र मैंने लिए थे, उनकी धारिता कितनी है, एक की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, को V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित की, पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है तथा दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण, ड्यू टू ऑफ इंडक्शन प्रेरण के कारण, आंतरिक सतह पर माइनस क्यू तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं वी वोल्ट बैटरी से तो क्या होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पर निगेटिव चार्ज आवेश आ जाता है, किसके कारण, प्रेरण के कारण। अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है चाहे उनकी धारिता कुछ भी हो। जैसे मैंने बताया, जब भी कभी हम लोग श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो आवेश तो सीधे चल रहे हैं, आवेश डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं, तो तीनों जितने भी संधारित्र लगे हैं श्रेणी क्रम में, उन सभी संधारित्र में जो आवेश की मात्रा होगी वो समान होगी, संधारित्र पर कोई काम नहीं होगा, संधारित्र की चाहे जितना हो, C1 C2 C2 की वैल्यू चाहे जितनी हो, लेकिन जो आवेश होगा अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो आवेश की वैल्यू जो होगी तीनों में कैसी होगी, समान होगी। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, अगर मान लेते हैं कि संधारित्र की प्लेटों पर जो विभव है वो C1 पर V1 है, C2 पर V2 है और C3 पर V3 है, तब क्या होता है, बढ़े आगे सर, बिल्कुल इरेज करें इसको, तब क्या होगा, परिणामी विभव निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, टोटल विभव चाहिए। एक पर C1 है, जरा इधर देखो, एक पर क्या है, C1 है, दूसरे पर C2 है, तीसरे पर C3 है, C1 वाले विभव V1 है, C2 वाले पर V3 है और C3 वाले पर V3 है, ठीक है। जब इन तीनों को हम लोगों को ऐड करना, पोटेंशियल को क्या करना, क्षमता, जब अलग अलग होती है हम तीनों क्षमता क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इन तीनों की क्षमता को जोड़ना है तो परिमाणी विभव क्या होगा, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि सभी का अलग अलग है ना, C1 का V1 है, C2 का V2 है और C3 का V3 है, और हमें तो टोटल पोटेंशियल चाहिए, परिणामी विभव चाहिए, हम तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक। तो हमें इसको इक्वेशन डाल देते हैं, पहली कितनी डाल देते हैं, पहली इक्वेशन। अब धारिता के फॉर्मूले से आपको पता है कि C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है,
तो अगर मैं क्या v की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगी q अपॉन c। तो ये वैल्यू हम आगे की तरफ प्रूफ करेंगे। इससे पहले अब हम तीनों कैपेसिटर की, तीनों संधारित्र की अलग अलग विभव निकाल लेंगे, v1 निकाल लेंगे, v2 निकाल लेंगे, v3 निकाल लेंगे और फिर तीनों को इक्वेशन पहले में रख देंगे। तो निकालते हैं जरा, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा c1, v1 इक्वल्स टू q अपॉन c2, c1, v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q अपॉन c2, और ऐसे ही v3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, v3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q अपॉन c3। यहां तक समझ में आया? अब ये तीनों वैल्यू q, v1 की, v2 की और c3, v3 की, तीनों वैल्यू उठा के कहां रख देंगे सर, इक्वेशन पहले में रख देंगे। ठीक है, तो लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ v1 v2 एंड v3, v1 v2 एंड v3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में v1 v2 और v3 की वैल्यू रख देते हैं, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रख दो जरा, q अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2 प्लस q अपॉन c3। अब यहां पर देखना, इस v की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, q अपॉन c रख सकते हैं, बिल्कुल सर, तो v की जगह रख दिया q अपॉन c इक्वल्स टू q अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2 प्लस q अपॉन c3। यहां से क्या कर लेंगे, q कॉमन निकाल लेंगे, q कॉमन निकाली, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। अब इस q से ये वाला q कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना, तो बचेगा क्या, इधर देख लेते हैं क्या बचेगा, 1 अपॉन c इक्वल्स टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। यानी हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आया, 1 अपॉन c इक्वल्स टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। कि जब भी कभी हम लोग तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो कुल धारिता आती है वो कैसी हो जाती, 1 अपॉन में चली जाती, मतलब कम हो जाती है। समझ में आया? तो श्रेणी क्रम में अगर आप जो एक, मतलब एक संधारित्र की जो धारिता होगी और जब हम तीन ऐसे और तीन जोड़ देंगे तो एक वाले की ज्यादा होगी और उन तीनों को मिलाकर कम हो जाएगी। तो कभी भी मतलब जहां पर जरूरत होती है संधारित्र को कम करने की, वहां पर हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उसकी धारिता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जब कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन c = 1 अपॉन c1 + 1 अपॉन c2 + 1 अपॉन c3, हाँ या ना। अब रेसिस्टेंस वाले में आपने टेंथ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, आपने पढ़ा था टेंथ में रेसिस्टेंस वाले चैप्टर में कि सर सीरीज का जो होता था वो कितना होता था, वो होता था, एक मिनट, सीरीज वाला आपने पढ़ा था, रेसिस्टेंस वाले में अगर सीरीज की बात करते थे तो R इक्वल्स टू होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर उल्टा है, वहां पर सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था लेकिन यहां पर 1 अपॉन में हो रहा है। ठीक, तो ये याद रखना, वो रेसिस्टेंस था, ये कैपेसिटर था और रेसिस्टेंस कैपेसिटर एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत है। रेसिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या करता है, वो आवेश को रोकता है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या करता है, संधारित क्या करता है, आवेश को देता है। तो दोनों अब विपरीत हैं, इसीलिए वहां पर सीरीज में फॉर्मूला आता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहां पर सीरीज में फॉर्मूला आता है 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। समझ में आया? बिल्कुल सर, इसको कर देते हैं मैं इरेज और जो आपके काम का है वो ये है, जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पर। ले लिया, ओके सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्लिक करते हैं ऑल क्लियर और फिर बढ़ते हैं इधर की तरफ, ये ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने सीरीज देख लिया, क्या देख लिया, सीरीज देख लिया, मतलब श्रेणी क्रम देख लिया। अब हम लोग उन्हीं तीन कैपेसिटर को, उन्हीं तीन संधारित को किसमें लगा देंगे, अब लगा देंगे समांतर क्रम में, लगा देंगे किसमें, लगा देंगे समांतर। अब देखेंगे जब समांतर क्रम में लगाएंगे तब उनकी धारिता बढ़ती है या फिर घटती है,
समझ में आया। अभी किसमें लगाया था, सीरीज में लगाया था, तब देखा था कि जो धारिता थी वो कम हो गई थी। धारिता कैसी हो गई थी, क्योंकि बना पाने पहुंच गई थी, जब जब करेंगे डिवाइड होके और भी कम आ जाएगी, तो धारिता कम हो गई थी। अब समांतर क्रम में लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, जब पैरेलल लगाएंगे तब देखेंगे धारिता बढ़ती है या फिर घटती है। लेंगे हम लोग तीन ही संधारित लेंगे। चलो, संधारित का एक ऐसा समायोजन जिसमें प्रत्येक संधारित की प्रथम प्लेट एक बिंदु ए पर, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु बी पर जोड़ी जाती है, यह समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, संयोजन की संधारित का एक ऐसा समायोजन जिसमें प्रत्येक संधारित की प्रथम प्लेट, तीन संधारित होंगे उनको पैरेलली जोड़ देंगे, उन तीनों संधारित की जो पहली प्लेट होगी वो ए से कनेक्ट होगी, और जो तीनों संधारित को जो दूसरी प्लेट होगी वो बी से कनेक्ट होगी। ठीक है, इसी समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं। माना तीन संधारित हैं C1, C2, C3 को एक वोल्ट की बैटरी से साथ कनेक्ट कर दिया है, बैटरी रखा दी एक वोल्ट की, ठीक है, बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं, तथा प्रत्येक संधारित की प्लेट के मध्य समान विभवांतर होगा, तथा A और V के मध्य विभवांतर V के समान होगा। अब यहां पर समझना, ठीक है, यहां पर देखते हैं, पहले इधर बनाते हैं डायग्राम, क्या बनाते हैं डायग्राम, इसको करते हैं ऑल क्लियर। देखो जरा, कहा गया है कि यहां पर एक ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट से इस तरीके से एक संधारित, यहां पर दो संधारित, और यहां पर तीन संधारित, ठीक, कुछ सही नहीं बना, ऐसे डायग्राम थोड़ा सही से बनाते हैं, ठीक है, ठीक, ऐसे करके मैंने उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां पर V बिंदु है, कैसी है, V पॉइंट है, A बिंदु को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, सेम वही इलेक्ट्रिकल सोर्स से, V बिंदु को कनेक्ट कर दिया मैंने किससे, अर्थ से, पृथ्वी से, प्रेरण के कारण, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर एक बात बताना, यहां पर ऐसे करके ये क्यू आवेश जाएगा, कौन जाएगा, ये क्यू आवेश जाएगा, ये क्यू आवेश जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ये क्यू आवेश तीन में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर की जैसे आप जा रहे हो, तीन रास्ते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज है जो डिवाइड होने वाली है, तो उन तीनों रास्तों में बराबर बराबर चली जाएगी, बराबर बराबर नहीं जाएगी, मतलब वो तीनों में बट जाएगी, कोई इधर C1 की तरफ चला जाएगा, कोई C2 की तरफ, कोई C3 की तरफ चला जाएगा। तो यहां से आवेश तीन तरीके में डिवाइड होंगे, इधर जाएगा Q1, मान लेते हैं ये C1 है हमारा, ये C2 है और ये C3 है, इधर Q1 जा रहा है, इधर Q2 जाएगा, और इस साइड क्या जाएगा, Q3 जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, दोबारा से इधर की तरफ Q1, इधर की तरफ Q2, और ऊपर की तरफ Q3, और यहां पर तीनों आवेश मिले, और मिलने के बाद एक आवेश बना दिया, और Q होके सीधे अर्थ में चले गए। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल सर। अब एक बात बताना, विभव इनका समान होगा या अलग अलग होगा, विभव इनका समान होगा, मतलब इस पर आ गया, इस पर आवेश कितना आ गया, प्लस Q1 माइनस Q1, इस पर प्लस Q2 माइनस Q2, इस पर प्लस Q3 माइनस Q3, तीनों पर आवेश कैसा है, अलग अलग है, समांतर क्रम में तीनों पर आवेश अलग अलग होगा। अब क्या विभव भी अलग होगा, जी नहीं, क्योंकि तीनों में C1 हो या C2 हो या C3 हो, तीनों में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन चलनी है वो समान चलनी है। जाना तो आवेश को A से B तक है, बिल्कुल सर, कहां से कहां तक जाना है, A से B तक। तो A से लेकर B तक का जो विभव होगा वो कैसा होगा, समान होगा, जो कि हम लोग बोलेंगे V होगा। तो समांतर क्रम में जो विभव होता है वो समान होता है, लेकिन जो आवेश होते हैं वो अलग अलग होते हैं। समझ में आया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब कुल आवेश निकालेंगे। पिछली बार हम लोगों ने कुल विभव निकाला था, अब कुल आवेश निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो चलिए करते हैं जरा, ठीक, तो आवेश देखो यहां पर क्या दे रखा, Q1 का क्या होगा, C1V होगा, Q2 का C2V होगा, और Q3 का क्या होगा, C3V होगा। जैसे हम बात कर लें, C इक्वल्स टू क्या होता है सर, C इक्वल्स टू होता है, C इक्वल्स टू होता है Q/V, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, हाँ या ना। ऐसे ही हम अलग अलग अब निकाल लेते हैं तीनों के, Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1V, V तो समान है,
Q2 क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा C2V, V तो समान है, और Q3 क्या हो जाएगा? C3V। ये तीन अलग अलग आवेश पता चल गए। हमें क्या बताना है? कुल आवेश, परिमाणीय आवेश बताना है, कुल आवेश बताना है। तो सर कुल आवेश टोटल चार्ज क्या होगा? Q इक्वल टू तीनों को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐड करते हैं। इस Q की जगह क्या हम लोग CV रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, यहां पर रख देते हैं CV। Q1 की जगह क्या रख सकते हैं? C1V। Q2 की जगह क्या रख सकते हैं? C2V। देखो इधर C2V, और Q3 की जगह क्या रख सकते हैं? C3V। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सर। क्या कॉमन आ रहा है? इधर से V कॉमन निकाल लें, तो CV इक्वल्स टू V कॉमन निकाली, अंदर क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसल आउट हो गया, अंदर क्या बचा? C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हम बन के क्या आ गया? हमारा फॉर्मूला बन के आ गया हम लोगों का फॉर्मूला बन के आ गया कि C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपको यह पता चल रहा होगा कि जब समांतर क्रम करते हैं, अगर समांतर क्रम में तीन संधारित्रों को ऐड कर देते हैं, तो तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो तीनों का गुणा मतलब ऐड आता है, योग आता है, और देख रहे हो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो समांतर क्रम में जो कैपेसिटेंस धारिता है, संधारित की धारिता, अगर संधारित को समांतर क्रम में तीन समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो उनकी धारिता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उन्हीं संधारित को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए तो उनकी धारिता घट जाएगी। समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, इसको मैं दिखा करके भी दिखाऊंगा, मैं कैपेसिटर लाऊंगा और कैपेसिटर को ऐसे करके दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा कैपेसिटर होता कैसे है और किस तरीके से उसको ऐसे करके जब छुओ, ठीक है, वन शॉट में लाएंगे, ठीक है, जब उसको छुओ कि वो एकदम से चार्ज दे देता है स्पार्क, ठीक है, मतलब ऐसे करके लाओगे उसको, ऐसे छुआओगे तो एकदम से चार्ज, पहले चार्ज करेंगे और फिर जैसे छुआएंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज का मतलब है उन्होंने पूरा का पूरा जो चार्ज है एक बार में दे दिया। फिर तीन कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, फिर तीन कैपेसिटर को, उन्हीं तीन कैपेसिटर कैसे लगाएंगे? समांतर क्रम में लगाएंगे। और आप देखेंगे भी कि जब समांतर क्रम में लगाएंगे तब स्पार्क कैसा होगा? ज्यादा होगा, और जब श्रेणी क्रम में लगाएंगे तब स्पार्क बहुत कम होगा, मतलब जो सिंगल कैपेसिटर था उससे भी कम होगा। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वेज हैं। कैसी हैं? प्रैक्टिकल वेज से समझने लायक हैं। तो जल्दी से समझ में आया हो तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके सर, ठीक। तो ये हमें पता चल गया कि इस तरीके से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन होता है किसका? संधारित का। ठीक, आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो और थोड़ा बहुत फिजिक्स से प्यार हो गया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन नीचे दे रखा ना, हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको नई नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। स्टूडेंट्स, आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ठीक है, और ज्यादा नई अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। फॉलो कर नहीं सकते, जरूर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।